फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नीम ट्री के हेल्थ बेनिफिट्स। इससे पहले मैंने एलोवेरा से हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उसके बाद तुलसी के पत्तों से जो भी फ़ायदे हमको मिल सकते हैं उसके बारे में मैंने शेयर किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अबाउट नीम ट्री उसके फ़ायदे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर एक बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आप एक भी रेमेडी ना मिस कर जाए। पता है इसमें जो रेमेडी है वो आपके लिए यूज़फुल रहे, तो आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नीम का पेड़ जो है, इसे हमें कुष्ठ रोग जो है वो हमें कम हो जाता है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी इन इंग्लिश, यानी ये क्रोनिक एक इन्फेक्शन जो होता है जिससे हाथ के फिंगर्स जो है वो अंदर की ओर खा गए जैसे होते हैं। इसे ये इफ़ेक्ट होता है स्किन और आइस और नोस पर। और इसे इस पत्ते से हमें इंटेस्टाइन्स में जो भी कीड़े पैदा होते हैं उसे ये कम होता है। कफ रोग भी कम होता है, कफ रोग यानी सर्दी खांसी जुखाम। और इससे कम होता है पाइत्य रोग यानी पेट के हर एक बीमारियों में ये काम आता है। और ये बुखार में यानी फीवर में ये काम आता है। और ये फैट जो है बॉडी का, ये आपको कम करने में मदद करता है। और आँखों की बीमारियों में भी ये नीम के पत्ते काम आ सकते हैं, और ब्रेन हेल्थ के लिए भी काम आता है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर नीम के पत्ते से रेमेडीज़ जान लेते हैं। जिनको भी कुष्ठ रोग और महारोग है उनके लिए ये छोटा सा नुस्खा है। महारोग यानी 8 रकम के बीमारियां, इसके डायबिटीज़, बीपी, दिमागी तौर पर कमज़ोर रहना और जॉइंट पेन्स और पेट के बीमारियां, ये सारे मिलकर महारोग कहते हैं। और कुष्ठ रोग मैंने पहले इस वीडियो में बताया था, उन लोगों के लिए नुस्खा है। नीम के जो कौले पत्ते होते हैं उसे आप 10 कौले पत्ते ले लें, उसमें 3 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जो होती है उसे डालकर एक छोटी गोली जैसा बना लें। उसको आप अगर सुबह में खाते रहेंगे नहर पेट, तो ये सारी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, ये जो नीम का पत्ते ही नहीं, नीम का ऑयल भी बहुत ही लाभदायक है ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए। ये नुस्खा है, आप नीम ऑयल 1 से 2 ड्रॉप्स 1 कप दूध में मिलाकर और 1 चम्मच शक्कर यानी हाफ आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसमें मिलाकर पीते रहेंगे, तो इससे आपका ब्लड जो है प्यूरीफाई होता है। और जो ये नीम के पत्ते जो है कौले पत्ते, इसे आपके पेट के इंटेस्टाइन्स में जो भी उसको निकालने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 3 ग्राम कौले पत्ते इसके ले लेंगे। उसमें आप मिलाएंगे पुराना गुड़ थोड़ा सा, और इसको 2 टाइम आपको खाना है, सुबह में और शाम में। खाते रहेंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स जो है वो क्लियर होते हैं, कभी क्रीम पैदा हो जाती है। नेक्स्ट जो है यूरिनरी इन्फेक्शंस और यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए है। इसमें आप नीम के पेड़ में जो भी फल आते हैं
आपने देखा ही होगा नीम के पेड़ में जो फल आते हैं उसे पके हुए फलों को ले लेंगे। एक दिन में 5 से 6 फल आप खाते रहेंगे तो इससे आपके सारे तमाम जो ये यूरिन से रिलेटेड और यूरिनरी के इन्फेक्शंस सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएंगे। पीरियड्स आपके अगर इरेगुलर है तो इसके लिए एक नुस्खा है, नीम के पेड़ का जो ब्रांच होता है मोटा ब्रांच उसमें उसका एक चकला आप काट कर ला लेंगे, उसको कूट कर रख लेंगे और सौंठ ले लेंगे 2 ग्राम और पुराना गुड़ 20 ग्राम लेकर बाजुक में रख लें। तीनों को भी अच्छे से कुचल कर रख लेंगे। 1/2 लीटर पानी स्टोव पर रखेंगे, वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद ये तीन जो है इसमें डालकर अच्छे से एक टी जैसा आप इसको बॉईल कर बना लेंगे। जब तक बॉईल करेंगे तब तक ये 1/2 लीटर टीना बन जाएगा। तब इसको छानकर आप इसको सिर्फ सुबह में एक टाइम ही इसको पीना है। ऐसे आप 4 दिन रोज़ाना 4 दिन रेगुलर से पीते रहेंगे तो आपके पीरियड जो है फिर से इमीडिएट से स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके पीरियड्स इसको पीना बंद कर देंगे। तो ये अच्छा सा नुस्खा है, इसको अपना कर देख लीजिए। जिनको भी मोशन में ब्लड पड़ता रहता है मिश्री जो होती है मिश्री पाउडर उसको मिलाकर 3 ग्राम मिश्री पाउडर और 3 ग्राम कांवले पत्ते नीम के मिलाकर खाते रहेंगे तो इससे आपके मोशन में ब्लड आना बंद हो जाता है। और मलेरिया के फीवर जिनको भी है वो उनको भी एक नुस्खा है। पहले भी मैंने इसको वीडियो स्टार्टिंग में नुस्खा बताया था, फिर से यही नुस्खा है। 5 आप कांवले पत्ते ले लेंगे नीम के और उसमें 3 काली मिर्च मिलाकर अच्छे से पीस लेंगे। इसको जितना भी क्वांटिटी इसमें आएगी उसे मलेरिया के पेशेंट को इसको खिला देंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसको देंगे आप 2 टाइम या फिर 3 टाइम। इसको जो फीवर ज़्यादा है उस डिसीज़ की गंभीरता को देखकर आप देंगे, 2 टाइम ही दे दें। फीवर जो है वो जल्दी से कम भी हो जाता है। और जो नीम के पत्ते हैं उसे पानी में बॉईल करके अच्छे से उस पानी से आपके बालों को धोते रहेंगे आप, तो उससे आपके बाल के जड़ों तक के पहुँच कर ये आपके बालों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी आपको इसे भी ये कम करता है। और नीम के पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसको आप लाकर नीम पाउडर्स को हेयर पैक की तरह आप लगाएंगे तो इसे भी यही फ़ायदा होगा। ये बालों में आपके शाइन ला देगा और बालों को घना बनाने के लिए मदद करता है, स्ट्रांग बनाता है। और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं पैक की तरह। और ये जो नीम का वाटर है बॉयल किया हुआ वाटर उसे भी आप सिर को धो सकते हैं। इस नीम के पत्तों को आप फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तिल माह से जो भी है उस पर आप फेस पैक की तरह नीम पाउडर को, मार्केट वाला नीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं फेस पैक की तरह, उसमें थोड़ा सा कर्ड मिलाकर अप्लाई करके फेस को धोते रहेंगे तो आपके स्किन में जो फ्रेशनेस है वो अलग ही है, बहुत क्लियर लगेगा आपका स्किन। हल्के हल्के से फेस पर आने वाले दाग धब्बे और दाने आते हैं फेस पर वो हल्के से कम हो जाते हैं। तो यही था इस वीडियो में, थोड़े से नुस्खे मैंने अब बताए हैं और बहुत सारे नुस्खे और है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले आपको क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भी नए नए वीडियोस लाती रहूँगी
इंशाल्लाह। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।